रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में 3 रोजा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 46 रिसर्च शरीक है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर का कहना है कि मशीनों की जरूरत है मगर मुआशरे में तरक्की के लिए सोशल साइंस बहुत अहम है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। कि सोशल साइंसेज की इंपॉर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ, मशीन्स के साथ प्रोडक्शन तो बेहतर की जा सकती है, मुख्तलिफ जिंदगी के रहने के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन सोशल साइंस लोगों को बताती है कि जिंदगी बसर कैसे करनी है, आपके बिहेवियर जो चेंजेस हैं वो कैसे बेहतर करने हैं, आपने सोसाइटी में अच्छे तरीके से कैसे रहना है। जब तक हम ये चीज़ें सोशल साइंसेस की ठीक नहीं तो सोशल साइंटिस्ट जो है वो सोसाइटी की डायरेक्शन सेट करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि इस बिहेवियर का क्या। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें अजरबैजान से, टर्की से, 15 कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑब्जेक्टिव ये है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पे इसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कोलैबोरेट करना। अब देखें, ये 15 कंट्री से लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एक्चुअली ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का और रहीम यार खां शहर के किसको लिंक करके उनकी अपनी एक कंसंट्रेशन है। वो 3 दिन से इस कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, अदारे के लिए, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करती हैं। जब तक हमारा सॉफ्ट इमेज नहीं जाएगा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज क्रिएट करती हैं। बहुत शुक्रिया।